बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अज़र रब्बानी कुकिंग विद रब्बानी के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, मैंने ऑफिस से ऑफ कर लिया है, वीकेंड है और मैंने कुछ मीट लेना था और कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने थे घर के लिए, तो मैं इस वक्त कोसार मार्केट की तरफ रवाना हूँ और वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ मैं क्रेशी फ्रोजन मीट शॉप है, वहाँ से मैं कुछ मीट लूँगा अपने घर के लिए और साथ ही फ्रेश फार्म्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वाले हैं, तो वहाँ से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी है मैंने। तो चलें आज मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको वहाँ का विजिट करवाऊँगा, तो चलें आज चलते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे वकास अहमद भाई हैं और ये हमें ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे किस किस्म का मीट अवेलेबल होता है और उसमें क्या क्या कट्स अवेलेबल होते हैं, तो आए चलते हैं। ये पिछले 5-6 साल से इधर ही होते हैं, तो वकास भाई हमें साथ साथ आप बताते जाएंगे। यहाँ से हम ऊपर से शुरू करते हैं, ये दिल का गोश्त है, ठीक हो गया, जो गाय का मुर्गा होता है, ये उसकी ऑक्सटल है, ऑक्सटल इसको बोलते हैं, व्हील दुम ऑक्सटल है, ऑक्सटल इसको व्हील दुम बोलते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी चीज़ होती है, मतलब मीट का बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है, तो ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मतलब चाइनीज़ लोग हो गए, पाकिस्तानी भी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास व्हील के पाए भी होते हैं, ठीक हो गया, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरह बीफ का मिंस भी हमारे पास होता है, ठीक हो गया, ये भी बर्गर वगैरह के लिए, कबाब वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो। इसी तरह आपको आगे आज तुम्हारे पास मटन होता है, डिफरेंट कट्स होते हैं, ये मटन का मिंस हो गया, ठीक है, 1/2 kg की पैकिंग में होता है, बाकी ये डिफरेंट उसकी चॉप्स हो गई, बगर्स, गुर्दे एंड सैडल चॉप्स, मतलब आप हर चीज़ कटी हुई डिफरेंट पीसेज में। ये हमारे पास मिक्स मटन होता है, ये मतलब पूरा एक मटन काट के होल बकरा, फिर हम मिक्स पैक करते हैं उसको, केजेस वाली पैकिंग है, उसका लीवर हो गया, ये आगे लैम आ जाता है, लैम तुम्बा, ठीक है, ये उसकी लेग है पूरी कटी हुई, ये उसकी पूरी लेग है, ये पूरा साबत पीस है, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मुनासिब, ये उसके डिफरेंट पार्ट लगे हुए हैं, पुट हो गया, रिब चॉप्स हो गई, ठीक हो गया, बाकी उसका ये नीचे गोश्त लगे हुए हैं, मीन्स ये उसका सीना हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप आगे आ जाए तो चिकन है हमारे पास, चिकन में भी सारी क्वालिटीज़ होती हैं हमारे पास, ये चिकन के विंग्स हो गए, आप देख सकते हैं इस तरह चिकन, पूरा चिकन भी हमारे पास कटा हुआ होता है पीसेस में, ठीक हो गया। इस तरह आपको चिकन विद स्किन भी मिल सकता है, साबत सही, विदाउट स्किन भी मिल सकता है, ये आप देख सकते हैं, तो देसी चिकन भी आप लोगों ने रखा हुआ, बिल्कुल हमारे पास देसी चिकन होता है, सही हो गया। और फिश में आपके पास क्या क्या, फिश में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास अभी फ्रेश फिश पड़ी हुई है, ठीक हो गया, ये पिंक सालमन, ठीक, ये नॉर्मल से आती है, बैस से आती है, ठीक हो गया, पूरा होल पीस आता है, फिर हम इसको काट के पीस सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास प्राउन भी होते हैं, ठीक, ये टाइगर ब्राउन है, बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है, पिंक सालमन आ गई है डिस्प्ले में, फ्रेश लगाई हुई है। इस तरह आपको बीच में मतलब स्टेक्स मिलेंगे, इस तरह ये टॉप साइड स्टेक होता है, ठीक हो गया, ये वाला सिरलाइन स्टेक हो गया, ठीक हो गया, बाकी ये बीफ का चक रोस्ट हो गया, जो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, इसको मतलब धागा लगाया होता है, बीफ चक रोस्ट, ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है, ये बीफ स्टिप राउंड रोस्ट होता है, पूरा होल पीस होता है रोस्टिंग के लिए, ठीक हो गया, बड़ा ज़बरदस्त पीस है पूरा, इसको मतलब फैट वगैरह क्लीन है बिल्कुल इसकी, पूरा एक पीस है। और ये नीचे चिकन, ये पूरा चिकन के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, स्किन पार्ट्स हैं, ये ड्रम स्टिक हो गए चिकन के, ठीक हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी किस्म का भी किसी भी मीट का कट चाहिए हो तो वो आप हमें अवेलेबल करके दे, बिल्कुल अवेलेबल होता है। और ये मेरे ख्याल में फुल पार्ट्स पड़े हुए हैं, फुल पार्ट्स पड़े, इसको आप अपनी मर्जी से कटिंग करवा सकते हैं, कटिंग करवा सकते हैं, ये लैम हो गया, लैम की लेग साबत है, शोल्डर है, जिस तरह रिब्स है, और इसको आप अपनी मर्जी से कटिंग कर सकते हैं जिस तरह आप चाहे करना चाहें। रिवर्स, ये इनका कटिंग पोर्शन है, मैं इसके लिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए ये सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, यहाँ आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसको हम कह सकते हैं कि गोश्त की दुकान है और वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। मैं इसी सफाई की वजह से यहाँ पे आता हूँ और चीज़ें लेने आता हूँ, अदरवाइज़ और कोई वजह भी नहीं है। अच्छा वकास भाई, मुझे आप एक चीज़ बताएंगे कि नो डाउट यहाँ पे मार्केट से थोड़ा सा महंगी चीज़ मिलती है,
तो आप इस बारे में क्या जस्टिफिकेशन देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर महंगी है फिर भी बंदा इधर क्यों आए? देखिए जी भाई, के जो बैर मीट होते हैं ना वो साफ नहीं होता, मतलब उनके पास क्वालिटी नहीं होती, वो आप घर जाके धुलाई करोगे फिर छिचड़े करो उसका साफ करोगे तो आपको मीट बचेगा ही नहीं, आपको महंगा पड़ेगा। मैं मानता हूँ हमारी थोड़ी प्राइस में फ़र्क है, 100-200 का फ़र्क है बैर मतलब गोश्त से, लेकिन आपको डिफरेंट कट मिलेंगे, हमने हर चीज़ अलहदा डिफरेंट पीसेज में कट करके पैक की होती है, आपको घर जाके कोई कुछ नहीं करना होगा, हमारा गोश्त धुला धुलाया होता है, साफ सुथरा होता है, आप जाके उसको ईजिली कर सकते हैं। बाकी इस तरह हमारे पास डिफरेंट पार्ट हर चीज़ का हमने डिफरेंट पैकेट बनाए होते हैं। ठीक है, अच्छा विकास भाई मुझे एक छोटी सी और बात बताएंगे, आप लोगों के पास फ्रोजन मीट भी होता है? जी बिल्कुल, वो भी आप हमें दिखाएंगे? जी शो यहाँ से शुरू करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये फ्रोजन फिश है। ठीक हो गया, इसको पंगासियस फिश भी बोलते हैं, वाइट फिश भी बोलते हैं। ठीक हो गया, ये भी पैर से आती है, फिर हम इसकी पैकिंग करते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह आप देख सकते हैं ये कराची से आती है, रेड स्नैपर है, ये कराची से आती है। ठीक हो गया, तो ये भी फ्रीज मतलब फ्रीज किया हुआ है इसको। ठीक हो गया, इस तरह इसको फ्रेश भी हमारे पास होती है, जिस तरह आप देख सकते हैं ये पिंक सॉल्मन है, ये बैर से आती है, देख सकते हैं आप, इसको हमने फ्रीज किया हुआ है, फ्रेश भी होती है हमारे पास, जो कि आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। ठीक हो गया, ये ट्राउट फिश है। ठीक, ये नरान से आती है, ट्राउट फिश है, पूरा होल पीस है, बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरी है अंदर से, बस हमने इसको जाके कटिंग करनी है और फ्राई। एग्जैक्टली, आपने कटिंग करनी है। ठीक है, और वो भी सैल्मन फिश हो गई। सैल्मन फिश है जो, और ये किस चीज़ का मिंस पड़ा हुआ है? ये बफेलो मिंस होता है, बफेलो मिंस का जो कीमा होता है ना। ठीक हो गया, बफेलो मिंस होता है, ये हमने फ्रीज किया हुआ है। ठीक हो गया, इसको अभी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास रैबिट होता है, गोश देख सकते हैं, रैबिट भी हम रखते हैं, ये भी हमारे पास फ्रेश होता है, लेकिन आजकल हमारे पास फ्रीज है। ठीक हो गया, और ये सामने ये गूज है, हमारे पास गूज भी होती है, डक भी होती है, टर्की भी होती है। ठीक हो गया, इसी तरह हमारे पास बीफ अंडर कट भी होता है, जो कि आप स्टेक्स के लिए, स्ट्रिप्स के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह हमारे पास फ्रीज वाले ब्रेन भी होते हैं, मटन ब्रेन होता है, ये आप देख सकते हैं, ये मटन ब्रेन है। इसी तरह हमारे पास बीफ ब्रेन भी होता है। ठीक हो गया, और क्वालिटी पे आप लोगों का कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता? बस हम लोग ताहिर कुरैशी साहब के साथ हैं, जो कुरैशी मीट्स के ऑनर हैं, थोड़े से बिजी थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें 5-4 मिनट दिए। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा ताहिर साहब, कितने अरसे से आप लोगों का ये सेटअप है? ये सेटअप तो हो गए तकरीबन इसको 52 इयर्स हो गए। सही, हमारी पैदाइश से पहले से चल रहा है। सही, वाले साहब ने स्टार्ट किया था, फिर बड़े भाई ने। ठीक हो गया। अच्छा ताहिर साहब, मैं एक सवाल सारों से करता हूँ, अगर एक बंदा कहीं से उठ के कोसार मार्केट कुरैशी मीट्स पे आता है कुछ लेने के लिए, तो वो क्यों आता है, क्यों आए वो आप लोगों के पास? यहाँ जो लोग आते हैं ना, वो सारे आते हैं क्वालिटी कॉन्शियस लोग। ठीक हो गया, जो मतलब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो कहते हैं चीज़ बेशक थोड़ी महंगी हो लेकिन अच्छी हो। ठीक, और फिर दूसरा ये है कि जो हाइजीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सफाई है, क्वालिटी है, हाइजीन है, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि वो आँखें बंद करके लेकिन यहाँ से जो चीज़ मिलेगी वो अच्छी ही होगी। ठीक हो, तो हमें भी ज़ाहिर उनका ट्रस्ट है। अच्छा दाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आपके साथ बात कर रहा था तो आप अपने स्टेक्स के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करेंगे? हाँ, स्टेक्स कहेंगे, स्टेक से कई कट्स ऐसे हैं जो आपको, बल्कि जो हमने रेस्टोरेंट भी बनाया साथ में, ये भी स्टेक हाउस है, मतलब स्पेशलिटी स्टेक्स है। यहाँ जो स्टेक्स मिलते हैं वो अव्वल तो कहीं मिलते नहीं हैं, मिलेंगे तो आपको सरीना मैरिट वगैरह में शायद मिले, मगर उनके पास भी वो मीट की वो क्वालिटी होती नहीं है। इस तरह से फिले मिग्नॉन है, सरलाइन स्टेक है, रिबाई है, टी बोन है, ये वो स्टेक्स हैं जो आम रेस्टोरेंट में नहीं मिलते, और ये सिर्फ शौकीन लोग ही खाते हैं, मतलब हर बंदे को इन स्टेक्स का पता भी नहीं होता। तो चले व्यूअर्स, जब कभी भी आपको स्टेक्स खाने का दिल करे तो एक बार कोसार मार्केट पे कुरैशी मीट्स हैं वहाँ पे आप आएँ, और मेरी रिकमेंडेशन पे इनके स्टेक्स एक बार आप ट्राई करें, होपफुली इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन पिछले 10-11 साल से इनसे मीट लेने आ रहा हूँ, और आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा मुझे आप टाइम दें, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी मीट कहां से ख़रीदता हूं। तो इनकी प्यार है, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मुझे इजाज़त दी और अपना कीमती टाइम दिया, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, मैं कुरैशी मीट पे मोहम्मद कमाल साहब के साथ हूँ, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, तो चले इनसे भी कुछ बात करते हैं। कमाल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कमाल भाई, मुझे आपके जो रेडीमेड फूड है यहाँ पे,
तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें कि तैयार हुई हुई क्या चीज़ आपके पास है। तैयार हुई हमारे पास जो है ना सिर्फ सब कुछ जो है वो स्पेशल आइटम है, जैसे रोटिसरी चिकन है ठीक जो आपके सामने है, और इसके ऊपर मतलब है कि हमारे काफ़ी सारे कस्टमर हैं ठीक, और स्पेशली कुछ स्पाइसिस की वजह से और ख़ास जो रेमिडी है उसकी वजह से आते हैं। इसके अलावा हंटर बीफ है जो उसके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं उसके, और काफ़ी लंबी सारी लिस्ट होती है तकरीबन कई कस्टमर जानते भी होंगे हमारे, तो वो मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा जो है बॉर्डर हाउस पे जो हमारे बनते हैं सारा भी मिल जाता है। थैंक यू सो मच कमाल भाई, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, और हम आते रहेंगे और आपसे चीज़ें लेते रहेंगे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सदीक साहब के साथ हूँ, मोहम्मद सदीक साहब के साथ, जो कि फ्रेश फॉर्म्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के मैनेजर हैं। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। सदीक साहब कितने अरसे से है ये सेटअप? ये तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गया। 20 साल से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह माशाल्लाह फ्रेश होते हैं, वो तो हमें पता है, तो कुछ स्पेशल इधर जो आप हमें बताना चाहते हो इस बारे में? स्पेशल यही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह से नहीं मिलती, और यहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जहाँ कहीं से भी उनको मैनेज करें, मैनेज करके यहाँ कस्टमर के लिए यहाँ लाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी।